वेलकम टू एबीएस एकेडमी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखा था कि मैं कुछ और एग्जांपल्स लेके आऊंगा क्यूब और क्यूबॉइड के। ठीक, मैंने आपको क्यूब का बेसिक दे दिया है, क्यूबॉइड का बेसिक दे दिया है। अब मैं क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर जाता हूँ, थोड़ा सा और कुछ बेसिक समझ करके हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। ये एग्जाम्पल्स आपके मेनली लॉन्ग आंसर्स में ही आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझते हैं कि हम लोग क्या अभी तक नहीं जाने हैं क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। ठीक, चलिए, तो पहला हमने यहाँ टॉपिक ले रखा है होलो क्यूबॉइड। होलो क्यूबॉइड क्या होता है? होलो क्यूबॉइड ऐसा क्यूबॉइड होता है जो क्यूबॉइड अंदर से खोखला होता है। खोखले का मतलब जिसके अंदर हम लोग कोई सामान धर सकते हैं, सिंपल से वे में हम कहते हैं, तो जिसके अंदर हम लोग कुछ सामान धर सके हैं वो होता है होलो क्यूबॉइड। ठीक, अच्छा, जब ये होलो क्यूबॉइड है तो आप इतनी चीज तो अपने दिमाग में सेंस लगा ही सकते हैं कि इसमें दो फेसेस होंगे, एक एक्सटर्नल होगा और एक इंटरनल होगा। ठीक है, इंटरनल वाले में आप लोग अपना सामान रखते हैं और एक्सटर्नल वाले को आप लोग टच करते हैं। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। तो अब हम लोग समझते हैं होलो क्यूबॉइड का हम लोग इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेथ और इंटरनल हाइट कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपके सामने ये पूरा लिख रखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो इंटरनल लेंथ है अगर हमें उसको निकालना हो और आपको एक्सटर्नल लेंथ गिवन, ठीक है, एक्सटर्नल लेंथ आपको ऑलरेडी गिवन हो और इंटरनल लेंथ आपको निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे, तो आप जो एक्सटर्नल लेंथ है उससे आप विद का डबल माइनस कर देंगे। जो भी आपको विद नहीं हो, विद क्या होती है, मोटाई, जो आपको मोटाई दी हो उसका डबल आप जब एक्सटर्नल लेंथ से माइनस कर देंगे तो इंटरनल लेंथ आ जाएगी। किसके लिए? होलो क्यूबॉइड के लिए। सेम चीज फॉलो करेगी होलो क्यूब के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जो हमारे पास इंटरनल ब्रेथ होगी वो कैसे निकलेगी, वो भी सेम हम लोग ब्रेथ से क्या माइनस कर देंगे, डबल ऑफ विड्थ। ऐसे ही हम लोग इंटरनल हाइट निकालेंगे, हाइट से हम लोग डबल ऑफ विड्थ माइनस कर देंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज जा रही होगी कि ये डबल क्यों माइनस कर रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा सा समझिएगा, मैं इसको यहां समझा देता हूं आपको। जैसे लेट करिए ये क्यूबॉइड का कोई बेस है, ठीक है, तो इस बेस में ये लेंथ होती है, ठीक, और ये हमारी क्या होती है, ब्रेथ होती है। ठीक, इतनी चीज तो आप सबको पता है। ओके, अब ये हॉलो है तो इसके इंटरनल में भी कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक, अच्छा, ये जो होगी ये इंटरनल लेंथ होगी कि नहीं होगी, और ये इंटरनल ब्रेथ होगी, इतनी चीज तो क्लियर होगी। ठीक, अब पॉइंट ये आता है कि ये जो है ये हमारी क्या है, विद है, इसको हम डब्ल्यू से डिनोट कर दें। ये भी हमारी क्या है, विद है, डब्ल्यू से डिनोट कर दें। अब अगर हमें इंटरनल लेंथ निकालनी हो जो कि हमारी क्या है, ये है, ठीक है, तो ये कैसे आएगी, ये हमारी लेंथ है एक्सटर्नल वाली, इस एक्सटर्नल लेंथ से अगर हम ये विद माइनस कर दें और ये भी विद माइनस कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, इंटरनल लेंथ आ जाएगी। यानी एक्सटर्नल से अगर हम एक बार याली विद माइनस कर दें और एक बार याली विद माइनस कर दें तो क्या आ जाएगी, इंटरनल लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, एल माइनस टू इंटू डब्ल्यू, ये देखिए मैंने लिख रखा है L minus 2 into width। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर आपको आपसे ये कहा जाए कि एक होलो क्यूबॉइड है, या होलो क्यूबॉइड ना कहा जाए, आपसे ये कहा जाए कि एक बॉक्स है जिसके अंदर लोग सामान रख सकते हैं, तो ऐसा कुछ अगर आपसे कहा जाएगा तो आप उसकी इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेथ और इंटरनल हाइट कैसे निकालेंगे, आप विद में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सटर्नल से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी। अब अच्छा, एक चीज और आती है कि सर अगर हमें इंटरनल गिवन हो तो एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे। आपने ये तो बता दिया कि अगर एक्सटर्नल दिया हो तो इंटरनल कैसे निकालेंगे, बट ये नहीं बताया कि अगर इंटरनल दिया होगा तो एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे। ये उससे भी ज्यादा सिंपल है, अगर इंटरनल दिया होगा तो एक्सटर्नल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे विद का डबल, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अगर इंटरनल से एक्सटर्नल पे जाना है तो विद का डबल आप प्लस करेंगे, और अगर एक्सटर्नल से इंटरनल में जाना है तो विद का डबल आप माइनस करेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो, किसी होलो क्यूबॉइड को बनाने में कितना मेटल यूज हुआ है ये निकालना, आपसे पूछा जाता है कितना आयरन यूज हुआ है, कितना मेटल यूज हुआ है, कितना एलिमेंट यूज हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे निकालेंगे, आपने इंटरनल लेंथ ब्रेथ हाइट तो पहले ही निकाल ली है, आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे और उससे इंटरनल वॉल्यूम निकाल के घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो भी मेटल जितना भी यूज हुआ है उस होलो क्यूबॉइड में।
क्लियर है इतनी बात। सेम यही चीज हम लोग क्यूब के लिए भी करते हैं, बस एक डिफरेंस होता है कि क्यूब के लिए केवल हम एक साइड लेते हैं और इसमें हम लोग तीन साइड लेते हैं। ठीक है, बहरहाल क्वेश्चन आपसे क्यूबॉइड के ही पूछे जाएंगे, जो हॉलो को होंगे, क्यूब के क्वेश्चन जल्दी नहीं आते हैं। अब देखते हैं हम लोग ओपन हॉलो क्यूबॉइड क्या होता है। ठीक, हॉलो क्यूबॉइड में समझा, ओपन हॉलो क्यूबॉइड क्या होगा, ओपन हॉलो क्यूबॉइड होगा कि ऊपर से वो खुला हुआ होगा, यानी उसका ढक्कन नहीं होगा। ठीक है, उसके पास अपना ढक्कन नहीं होगा, वो ऊपर से क्या होगा, ओपन होगा, यानी कि उसके पास सारे फेस होंगे, केवल और केवल क्या नहीं होगा, फ्रंट फेस नहीं होगा। तो अब जब फ्रंट फेस हमारे पास नहीं है, तब उसका हम लोग इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेथ और इंटरनल हाइट कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए सामने लिखा हुआ है आपके कि इंटरनल लेंथ तो वैसे ही निकलेगी जैसे निकलती है, इंटरनल ब्रेथ भी वैसे निकलेगी। अच्छा, ये क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ओपन बॉक्स है। ठीक है, ओपन बॉक्स का मतलब ये जो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ है ये तो हमारे पास वैसे ही रहेंगी, बट ओपन बॉक्स है इट्स मीन जब बॉक्स ओपन होगा तो हाइट डिफरेंस हो जाएगा। क्यों हाइट डिफरेंस हो जाएगा, जब बॉक्स में ढक्कन लगा होगा तो हाइट ज्यादा होगी और जब ढक्कन हट जाएगा तो हाइट कम हो जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेट करिए वो जो एक फेस है जिससे हम लोग ढक्कन हटा रहे वो ये है। ठीक, ओके, अब इसके ऊपर जब ढक्कन है तो ये कुछ ऐसा होगा, बात समझ में आ रही है, यानी इतनी हाइट इससे हट जाएगी और ये जो हाइट हटेगी ये हाइट क्या होगी, ये हाइट कुछ नहीं वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहां से अब की बार हम लोग क्या करेंगे, एक विध तो हटाएंगे लेकिन दूसरी विध हमें हटाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तो वो ऑलरेडी हटी हुई है। तो अब की बार जब हम हाइट निकालेंगे तो केवल h माइनस विध करेंगे, h माइनस टू इंटू विध आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब की बार आप इंटरनल हाइट कैसे निकालेंगे, h माइनस से विध से। ओके, और सेम चीज आप अगर इंटरनल से एक्सटर्नल में जाना तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर है इतनी चीज। अब समझते हैं हम लोग इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आप लोग सेम मेथड अपनाएंगे जो हमने इसमें बताया था, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल का। ठीक, और एक चीज और आती है कि आप इसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे अगर वो ओपन बॉक्स है तो। ठीक है, तो अगर ओपन बॉक्स है तो उसके पास अपना एक फेस नहीं होगा, अगर ओपन बॉक्स है तो उसके पास अपना एक फेस नहीं होगा। ये कुछ गलत लिखा हुआ है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। देखिएगा, अगर उसके पास अपना एक फेस नहीं होगा तो कौन कौन से फेस होंगे, एक फेस उसके पास एल बी भी होगा, एक फेस उसके पास टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच भी होगा। ठीक है, ये चार दीवारें होंगी उसके पास और एक उसके पास बेस होगा लेकिन उसके पास फ्रंट नहीं होगा, यानी ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नहीं होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सरफेस एरिया। अगर आपको एक्सटर्नल सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप ऐसे निकालेंगे। क्लियर है मेरी बात। चलिए अब देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारे बोर्ड पे ऑलरेडी गिवन है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग पहला, ये पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ दो और फॉर्मूले हम लोग के यूज होते हैं। एक होता है डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, एक है डायगोनल ऑफ अ क्यूब। ठीक है, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि इफ साइड ऑफ द क्यूब इज 3 सेंटीमीटर फाइंड द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, तो रूट 3a आप लगाएंगे और यहां पे क्या होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ किया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं प्रूव करने के लिए। मैं कुछ वीडियो बाद आपको ये प्रूवमेंट भी सिखाऊंगा बट पहले मैं मेंसुरेशन का टॉपिक क्लियर करूंगा आप लोगों का। ओके, चलिए देखते हैं। अब ये एग्जांपल हमारे सामने जो है, एन ओपन बॉक्स इज ऑफ डायमेंशन 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 1 सेंटीमीटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ आयरन टू मेक इट ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ क्लोथ टू कवर दिस। ओके, ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बॉक्स है जो ओपन है। ठीक है, ओपन बॉक्स है, उसकी डायमेंशन हमें ये दी हुई है, तो डायमेंशन से समझ में आ रहा है ये क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं। फिर कह रहा है एंड विड्थ इज 1 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ आयरन टू मेक इट, हमें आयरन का अमाउंट चाहिए कि उसको बनाने में कितना आयरन चाहिए,
और हमें और फाइंड आउट करना है कि इसको कवर करने के लिए कितना क्लोथ लगेगा जबकि वो ऊपर से ओपन हो। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट ये क्वेश्चन में है, जबकि वो ऊपर से ओपन हो। तो देखिए अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें सबसे पहली चीज तो लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, वो भी कौन सी, एक्सटर्नल। तो लिख दीजिए यहाँ पे एक्सटर्नल लेंथ इज इक्वल टू, हमें कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है ओके। और सेम एक्सटर्नल ब्रेथ हमें कितनी दी हुई है, ये दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर। और एक्सटर्नल हाइट कितनी दी हुई है हमें, ये हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ये तीनों हमें गिवन है, हम लोग इंटरनल निकाल सकते हैं। चलिए इंटरनल निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा इंटरनल लेंथ इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था आप लोग एक्सटर्नल से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे एक्सटर्नल से 2 into width, एक्सटर्नल से क्या माइनस करेंगे 2 into width। तो यहां पे एक्सटर्नल कितनी है 7 minus 2 into width कितनी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो हमने ये माइनस कर दिया, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 minus 2 = 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई इंटरनल लेंथ। अब हम लोग क्या निकालेंगे इंटरनल ब्रेथ, तो देखिए इंटरनल ब्रेथ निकालते हैं हम लोग, दैट इक्वल्स टू सेम वही मेथड जो हमने यहां बताया था। अब क्या करेंगे ब्रेथ माइनस 2 into width, अब देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास ब्रेथ कितनी है 5 minus 2 into width यानी 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। सेम हम क्या करेंगे इंटरनल हाइट निकालेंगे, इंटरनल हाइट कितनी हो जाएगी, फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये ओपन बॉक्स है तो हमें ओपन का फॉर्मूला लगाना होगा, यानी एच माइनस डब्ल्यू करना होगा, क्या करना होगा एच माइनस डब्ल्यू, 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 4 minus 1 = 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास इंटरनल लेंथ ब्रेथ हाइट आ चुकी है, एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ हाइट आ चुकी है, दोनों आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों का वॉल्यूम निकाल करके लेस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ आयरन टू मेक इट, देखते हैं कैसे निकलेगा। दैट इक्वल्स टू मैंने बताया था एक्सटर्नल वॉल्यूम से आप इंटरनल वॉल्यूम घटा दीजिए इन दोनों को, जब इन दोनों को आप लेस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा एक्सटर्नल कितनी है 7 5 4, इट्स मीन 7 × 5 × 4 - ये कितनी है 5 3 3, यानी कि 5 × 3 × 3 दैट इक्वल्स टू, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 4 = 20 और 7 2 = 14 यानी 140 हो गया ये हमारे पास, माइनस 5 3 = 15 और 15 3 = 45, ये आ जाएगा हमारे पास ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग ये माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 95 cm³। ये क्या हो गया, ये हो गया अमाउंट ऑफ आयरन यूज टू मेक द ओपन बॉक्स, क्लियर है मेरी बात ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग ठीक, हमें नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है, नेक्स्ट चीज निकालनी है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ क्लोथ टू कवर दिस, हमें क्लोथ का एरिया निकालना है जो उसको कवर करेगा, जो ऊपर से क्या होगा ओपन होगा। तो सिंपल सी चीज मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, आपको 5 faces का निकालना है, 1 face का नहीं निकालना क्योंकि ओपन है, तो क्या हो जाएगा LB + 2L + B × H, क्या हो जाएगा हमारे पास अमाउंट ऑफ क्लोथ, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × L + B × H + LB ठीक है। इसमें से ये क्या है, ये है एरिया ऑफ फोर वॉल और वो क्या है, वो है एरिया ऑफ बेस। चलिए फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 × अच्छा अब आपके दिमाग में एक और कंफ्यूजन जाएगी, सर यहाँ पे आप इंटरनल रखेंगे एक्सटर्नल रखेंगे, तो जाहिर सी बात है जब कवर करना तो बाहर ही से कवर करेंगे, इंटरनल तो कोई कवर करेगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे एक्सटर्नल रखेंगे, तो यानी ये क्या हो जाएगा
सेवन प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर प्लस एल इंटू बी मीन सेवन मल्टीप्लाई फाइव। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए एल की वैल्यू हमने सेवन रखी है, बी की वैल्यू फाइव, देन एच की वैल्यू फोर, फिर एल की वैल्यू सेवन और फाइव। मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो देखिए सेवन फाइव ट्वेल्व और ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर इंटू फोर प्लस थर्टी फाइव। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 96 प्लस 35 दैट इक्वल्स टू 6511314, ये हो जाएगा 131। ठीक है, 131 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया, इट्स मीन ये अमाउंट ऑफ क्लोथ आ गया जितना यूज होगा इसको बनाने में। ठीक है, यही दो चीज हमें इस क्वेश्चन में करनी थी। एक तो पहली चीज हमें निकालनी थी कि वॉल्यूम कितना लग रहा है, और दूसरा ये निकालना था कि अमाउंट ऑफ क्लोथ कितना लग रहा है। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वेट अ मिनट, दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ बॉल हैज डायमेंशंस 15 मीटर 0.3 मीटर 4 मीटर इफ अमाउंट ऑफ मॉर्टर इज यूज्ड टू मेक इट इज 1/12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल एंड क्यूबिकल ब्रिक्स व्हिच आर यूज्ड हैव साइड 10 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स, हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने। ठीक है, पहली चीज, अब हमें दिया क्या क्या है, दिया ये है कि हमें डायमेंशंस दी हुई है जो वॉल है उसकी, और ये दिया हुआ है कि मॉर्टर जो यूज हो रहा है 1/2 है इसका वॉल के वॉल्यूम का। ये वी फॉर वॉल्यूम है, यहां पे मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है। ठीक है, यहां पे आपके पास दिया हुआ है कि जो मॉर्टर है वो 1/12 है वॉल के वॉल्यूम का। Then आपको ये दिया हुआ है एंड क्यूबिकल ब्रिक्स विच आर यूज हैव साइड 10 सेंटीमीटर। जो क्यूबिक पहले जो ब्रिक यूज हो रही है वो कैसी है, क्यूब के आकार की, ठीक, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब के आकार की है। दूसरी चीज जो है उनकी साइड आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर और हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए। ठीक, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपके पास वॉल दिया हुआ है, वॉल की डायमेंशन दी हुई है, आप क्या करेंगे, आप सिंपल चीज करेंगे, वॉल की डायमेंशन है, वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे। अब वॉल का वॉल्यूम आ जाएगा उसका 1/12 क्या है, मॉर्टर का वॉल्यूम है। फिर आप 1/12 कर दीजिए, मॉर्टर का वॉल्यूम आ जाएगा। और जब आप मॉर्टर का वॉल्यूम लेस कर देंगे वॉल के वॉल्यूम से, तो जो बचा हुआ वॉल्यूम होगा वो किसका होगा, वो केवल ब्रिक्स का होगा, क्योंकि भाई या तो मॉर्टर यूज होगा या ब्रिक्स यूज होगा वॉल को भरने में, यानी दोनों से एक चीज यूज होगी। तो क्या करेंगे आप सीधे करेंगे, वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे, मॉर्टर का वॉल्यूम निकालेंगे 1/12 करके, और दोनों को लेस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रिक्स का वॉल्यूम आ जाएगा। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है, एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल के आप लेस वो डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले किसका वॉल्यूम निकाल लें, वॉल का। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल, ये आपको डायमेंशन के थ्रू ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 15 मीटर मल्टीप्लाई 0.3 मीटर और मल्टीप्लाई 4 मीटर, ये है हमारे पास। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 फोर जा 60 मल्टीप्लाई 0.3, 60 जा 18 दैट इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 18 मीटर क्यूब, ये क्या आ गया, वॉल का वॉल्यूम आ गया। अब वॉल के वॉल्यूम से हमें किसका चाहिए, मोटर का वॉल्यूम चाहिए। चलिए देखते हैं मोटर का वॉल्यूम कैसे निकलता है हमारे पास। तो अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ मोटर, वॉल्यूम ऑफ मोटर कितना है 1/12 ऑफ, लिखा हुआ है 1/12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल, इट मीन हमने वॉल का वॉल्यूम निकाला, इसका 1/12 क्या है, मोर्टर का वॉल्यूम है। चलिए निकालते हैं इसको भी, 6 2 12 6 3 18, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2, ये कितना आ गया हमारे पास 3/2। अब ये हमारा जो वॉल्यूम आया है, ये वॉल्यूम किसका आया है, ये वॉल्यूम हमारे पास आया है मोर्टर का।
अब हमें उस वॉल्यूम की जरूरत है जो मॉर्टर को हटा के यूज हुआ, यानी केवल ब्रिक्स के वॉल्यूम की जरूरत है। तो यहां क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूज्ड ब्रिक्स कितना हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा 18, ये आया था, और इससे हम क्या माइनस कर दे, मॉर्टर का वॉल्यूम माइनस कर दे, तो केवल ब्रिक्स का वॉल्यूम हमारे पास बचेगा। एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ गया 2, ये हो जाएगा 36 माइनस 3 डेट इक्वल्स टू 33 अपॉन 2 मीटर क्यूब, ये आ गया हमारे पास। ओके, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग एक काम करिएगा, ये कभी भी पॉइंट पे मत सॉल्व करिएगा। अगर आप क्वेश्चन पॉइंट में सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूजन बहुत होगा, ठीक है। आपको पॉइंट में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप हमेशा इसको रेशनल नंबर्स में सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आप डेसिमल में लेके आएंगे तो आपको कंफ्यूजन बहुत होगा, ठीक। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हमसे ये कह रहा है कि क्यूबिकल ब्रिक्स व्हिच आर यूज्ड हैव साइज 10 सेंटीमीटर, तो पहले एक ब्रिक का हम वॉल्यूम निकाल लें, तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना हो जाएगा ये हमारे पास। सबसे पहली चीज की ध्यान रखिएगा, ये क्यूबिकल है तो क्यूब का ही फॉर्मूला लगाइएगा, क्यूबॉइड का ना लगाइएगा, यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि ये क्यूबॉइड है तो ये भी क्यूबॉइड है, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये क्यूबिकल दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, और ए की वैल्यू हमें दी हुई है 10, तो 10 का क्यूब डेट इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारे पास, ठीक। अब ये हमारे पास किसका आया, ब्रिक्स का वॉल्यूम आया है, और ये वन ब्रिक का वॉल्यूम हमारे पास आया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, ठीक। नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेंगे, मैंने बताया था आपको, जो हायर वॉल्यूम हो उससे आप जो लोअर वॉल्यूम उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर आपके आ जाते हैं, वो चाहे जो जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, नंबर ऑफ ब्रिक्स हो या कोई भी चीज आपकी जो हो, वो आप क्या होगा, आप क्या करेंगे, जो हायर वॉल्यूम उससे लोअर वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए। तो हायर वॉल्यूम ये है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, चलिए इसको पहले आप कैसे कर ले, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। तो जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा, ये 33/2 लिखा हमने, ठीक। अब ये हमारा क्या है, मीटर क्यूब है, ठीक। हम सभी जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक। अब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट यहां तो सर मीटर क्यूब है, तो आप क्या करेंगे, ये मीटर क्यूब का मतलब 3 बार है मीटर, मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार है मीटर, तो आप ये 3 बार कन्वर्जन करेंगे, इट मीन आप 1 बार 100 ना लिख करके 3 बार 100 लिखेंगे, ये हो गया कन्वर्जन। अब हमें क्या करना है, 1000 से इसको डिवाइड कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे आएगा ये आंसर, 0 0 कट गया, 1 0 और कट गया, बचा गया 33/2, ये हमारे पास 1 2 3 1 2 3 0 बचे, इसको डिवाइड कर देते 2 1 2 1 3 2 6 12 2 5 10 0 0, ये हमारे पास मीटर, सॉरी ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गए, इतने ब्रिक्स हमने यूज किए हैं वॉल को बनाने में। ओके, तो ये दो एग्जांपल आपके क्लियर हो गए जहां से मैं आपको समझता हूं, ठीक। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो है सिलेंडर, उसको समझने के लिए हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को निरंतर देखिए, ठीक है। जितना रेगुलरली आप वीडियोस को देखेंगे उतनी रेगुलरली आपकी नॉलेज गेन होगी, ओके। और कमेंट करके हमें बताइए, अगर मैं कोई भी पार्ट इसका मिस कर रहा हूं और आपको पढ़ना है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।